तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में हर वक्त ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा, भोगीलाल ने ले लिया है जेठालाल से 50 लाख रुपए और वो लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसमें दोस्तों अब कहानी में आगे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में अब आने वाले हैं बापूजी। जी हाँ दोस्तों, जेठालाल ने जो सपना देखा था कि उसके दादाजी उसके सपने में आए हैं और उसे अपनी पुश्तैनी जमीन जो है उसे बेचने से मना कर रहे हैं, ये तो दोस्तों था सपना, लेकिन हकीकत में दोस्तों अब बापूजी आएंगे भोगीलाल को समझाने के लिए, उसका हृदय परिवर्तन करवाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप तारक मेहता के पुराने एपिसोड्स देखते हैं तो आपको पता होगा, तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में हमारे गोकुल धाम में किसी को भी सज़ा नहीं मिलती, सबको माफ़ कर दिया जाता है, सबको सुधारा जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों बापूजी जो है वो भोगीलाल को सुधारने वाले हैं, क्योंकि भोगीलाल जो है वो जेठालाल का बचपन का दोस्त है, इसलिए भोगीलाल का हृदय जो है वो परिवर्तन होने वाला है। बापूजी की गांधीगिरी के सामने भोगीलाल की जो चतुराई है वो नहीं चलेगी और बापूजी भोगीलाल को बदल देंगे, यही दोस्तों होने वाला है आगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है तारक मेहता के आगे के एपिसोड में, आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।